शुरू करना है क्या? जी जी निवेदन है आपसे। महाकौशल विज्ञान मेला में आरोग्य एक्सपो में मैं अपनी ओर से आपका प्रदेश सरकार की ओर से सभी भाइयों बहनों का सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हमारे मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय सेना मंत्री अंकित राय जी, माननीय महापौर जगन बहादुर अन्नू जी, विभाग के प्रतिनिधि डॉक्टर मुकेश राय जी, डॉक्टर संदीप कुशवाहा जी, इस अवसर पर समस्त विज्ञान के जिज्ञासु बंधुओं, सभी नव वैज्ञानिक बंधुओं, पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथियों, मैंने प्रयास किया था कि मैं आपके बीच आऊं। सबसे पहले मेरे सदैव मेरे मन में आता है कि कोई काम करूं ना करूं, लेकिन विज्ञान भारती के किसी भी कार्यक्रम को कभी भी एब्सेंट हो ये संभव नहीं है। मेरे मन में सदैव इस बात का प्रेम रहता है, लेकिन देखिए कि ये भी महात्मा की लीला है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करते करते अब मुझे भी आपको वर्चुअल रूप से जुड़ना पड़ रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वास्तव में हम का कोई नुकसान होता है। तो आप सबको नमस्कार करता हूँ। जय श्री महाकाल। मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही कि 15 से 18 तक होने वाले इस विज्ञान मेले में विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, सभी आम जनता के बीच विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न प्रदर्शनी, कार्यशालाओं, सेमिनार के माध्यम से हमने आज ये जो आयोजन किया है, खासकर इसरो, डीआरडीओ, आईसीएमआर, आईसीएआर, माननीय शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक और विज्ञान से रुचि रखने वाले सभी साथियों के माध्यम से एक तरह से ये हमारा लघु कुंभ मेला हुआ है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आधुनिक युग में, खासकर आज के समय में विज्ञान ग्लोबल भारत का अपना अगर स्थान करें तो विज्ञान का लीडर बन रहा है भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और खासकर किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए शोध अत्यंत आवश्यक है। ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद भी देश में शोध पर खर्च करने के लिए परंपरा कमी रही, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस मामले में हम और आगे बढ़े। एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनका नाम लेते हमको स्थान पाता आनंद आ जाता। यद्यपि हम सब जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और वो दौर ऐसा था जब हमारे लिए गेहूं के उत्पादन को लेकर के वो भी हम अमेरिका पर निर्भर थे। लेकिन स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना चाहूंगा, जिनके समय उन्होंने इस नारे में संशोधन करते हुए जय किसान जय जवान के साथ जय विज्ञान का नारा दिया था। हम सब उस दौर को भी याद करें जब हम पुनः परमाणु संपन्न होकर के दुनिया के तमाम राष्ट्रों के बीच में एक अपनी अलग से पहचान बना रखने में हम समर्थ हुए। साइकिल और बैलगाड़ी से प्रारंभ होने वाले हमारे अंतरिक्ष यात्रा के उस कार्यक्रम के इसरो की कल्पना कर रहे हैं, तो आज हम न केवल सूर्य चांद बल्कि आगे जाकर के और मंगल तक की हमने कई अपने विभिन्न सफल अभियान भी लिए। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मन कितना बड़ा हो सकता है माननीय मोदी जी से सीखना चाहिए, क्योंकि रिसर्च जब करते तो सदैव सफलता ही नहीं मिलती, इसमें असफलता भी होगी। लेकिन असफलता में अगर लीडर हमारा हमारे साथ खड़ा हो तो वो तो अलग ही प्रकार का हो जाता है। मुझे प्रसन्नता कि एक दौर ऐसा भी आया था जब पूरा देश अलग प्रकार की निगाह से देख रहा था और कोई कारण से हमारे वैज्ञानिकों को असफलता मिली, तो मैं मान के चलता हूँ उस दौर में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन माननीय मोदी जी आप लोगों को मैं आए और आपने हौसला बढ़ा करके हमारे इस रिसर्च वाले मार्ग को प्रशस्त किया है। हम सब इसी प्रकार के कामों की आवश्यकता भी महसूस करते हैं आज के इस दौर में, जब भारत ने स्वदेशी सैटेलाइट और प्रौद्योगिकी के विकास में भी अपनी एक अलग उल्लेखनीय
उपलब्धि ली है। 2014 के बाद इसरो ने विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिससे हमारे नेविगेशन और मौसम और अन्य प्रकार की क्षमताओं में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है। आज जब संपूर्ण जगत में तेजी से ज्ञान विज्ञान और अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है, ऐसे में विज्ञान टेक्नोलॉजी के समय में खासकर फार्मिंग से लेकर फाइनेंस तक और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक, हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है। हमारी अपनी सरकार भी इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप का माहौल बना हुआ है। ऐसे समय में गुड गवर्नेंस को लेकर भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। मध्यप्रदेश खासकर अगर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि डिजिटल नवाचार में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की सहायता से एक अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। अभी हमने अपने मध्यप्रदेश के अंदर खासकर के किसानों को लिए और पंजीयन दस्तावेज पंजीयन को लेकर के हमारे अपने पूरे देश के अंदर हमारी साइबर तहसील का प्रयोग भी हमने सबसे पहले किया है, जिसके माध्यम से किसानों के खसरे, किसानों का बटांकन, नामांतरण का काम भी साइबर प्रकार से करते हुए अब इसमें बहुत आगे बढ़े हैं। जबलपुर में साइंस सेंटर 17 करोड़ 50 लाख की लागत से स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार से 230 करोड़ की लागत से एक साइंस सिटी का निर्माण उज्जैन में कर रहे हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ IIT के माध्यम से हमने सैटेलाइट टावर की भी कल्पना की है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में 2013 में जो हमने मध्यप्रदेश में पहला तारामंडल लिया अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अब ये जो 3D तकनीक से 4K तकनीक के माध्यम से अपग्रेड किया गया, जो 2024 से अभी तक 400 से ज्यादा शो हो चुके हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का हमारा प्लेनेटोरियम है। आज की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मध्यप्रदेश में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का हम गठन कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सभी 54 विभागों में 105 से अधिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों का हमने पंजीकरण किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजरी, भौगोलिक सूचना, GIS और ड्रोन का विभिन्न प्रकार का उपयोग करते हुए हमने अपने नल जल से लगा करके संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तक इसमें हम अपने शासन के अनुरोध के माध्यम से काम कर रहे हैं। आज के इस दौर में IT और सर्विस सेक्टर में मध्यप्रदेश एक नए हब के रूप में निकल के आता है। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें, लेकिन प्रत्यक्ष आपसे मिलकर के आज आनंद ही कुछ और होता, लेकिन समय के साथ मुझे लगा कि थोड़ी कमी पड़ रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में हमने अपने सरकार के गठन के साथ ही नव वैज्ञानिकों के सम्मेलन करने का संभाग और प्रदेश स्तर पर भी प्रयास किया है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नई ऑब्जर्वेटरी जो बंगला में स्थापित कर रहे हैं, आप सबकी मदद से आने वाले समय में शुद्ध समय की गणना है, जो भारत के लिए नहीं एशिया के लिए गौरव की बात है। जो 300 साल पहले तक ये हमारा गौरवशाली पक्ष था, जो काल के प्रभाव में फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक वहां से समय की गणना होती रही और अभी ग्रीनविच से हो रही है, लेकिन पिछले ही कुछ माह पूर्व हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से वैदिक घड़ी की एक IIT के रिसर्च स्कॉलर ने एक नया एक लॉन्च किया, उसके बलबूते पर हमने अपने उज्जैन की महत्ता को स्थापित करते हुए वैदिक घड़ी को लॉन्च किया था, और आने वाले समय में सर्वाधिक शुद्ध समय की दृष्टि से इस पे भी हम काम करते हुए भविष्य में और भी बहुत सारे टास्क ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो आयोजन आपका जो मेला है, मेला अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहा होगा। जबलपुर की धरती तो वैसे भी हमारे नवाचारों के लिए जानी जाती है। रानी दुर्गावती के इस पवित्र स्थान पर मां नर्मदा की गोद में ये पूरा आयोजन बहुत आनंद से हुआ होगा, ऐसी मैं कामना कर रहा हूँ। और मैं एक तरह से आपकी इस पड़ाव पर जब मैं समापन के बीच आपके बीच वर्चुअल रूप से मौजूद, आने वाले समय में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ निश्चित रूप से और अच्छा आयोजन हम करेंगे, दूसरी बार हम सब मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार। आपका मार्गदर्शन सदैव ही हमारे लिए प्रेरणादायी रहा है।